जून के महीने में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं और 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां कौन सी हैं, इन दोनों टॉपिक पर पहले ही वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो स्क्रीन के अपर राइट कॉर्नर पर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जून के महीने में पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली 20 SUVs कौन सी हैं। 20th पोजीशन पर आई है स्कोडा की कोशैक, जिसकी 2133 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी की जो कजन सिस्टर है टाइगुन, उसकी लगभग 1500 के आसपास बिकी हैं और इस लिस्ट में वो अपनी जगह नहीं बना पाई। और आगे बढ़ते हैं तो 19th पोजीशन पर है मॉरिस गराजेस की हेक्टर, जिसकी 2170 यूनिट्स बिकी हैं जून के महीने में। हेक्टर का जो फेसलिफ्ट अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था एडास के साथ में, उसके लॉन्च होने के 2-3 महीने तक तो उसकी बिक्री है ना काफ़ी तगड़ी चली, अभी आके वापस से पहले जैसी हो गई है 2000, और देखना अगले मंथ और कम हो जाएगी क्योंकि कॉम्पिटिटर्स तगड़े आ गए हैं। सेल्टोस भी अभी लॉन्च होने वाली है एडास के साथ में, और कुछ समय के बाद क्रेटा भी आने वाली है एडास के साथ में, तो भाई कॉम्पिटिशन तगड़ा होता ही चले जा रहा है। 18th पोजीशन पर आई है निसान की मैगनाइट, इसकी 2552 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। भाई जिन जिन लोगों के पास निसान मैगनाइट है और वो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आपको निसान की सर्विस कैसी मिल रही है, एक्सेप्टेबल है, ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है या बकवास है। इसके बाद 17th पोजीशन पर आई है टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाईराइडर, जिसकी 2821 यूनिट्स बिकी हैं जून के महीने में। हाईराइडर और ग्रैंड विटारा एक ही गाड़ी है, आप लोगों को पता ही है, लेकिन पर्सनली अगर मैं लुक्स की बात करूं तो मुझे हाईराइडर के लुक्स थोड़े बेहतर नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं तो भाई 16th पोजीशन पर आई है मारुति की जिम्नी, जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है और ये पहला महीना है इसकी बिक्री का। इसकी सिर्फ 3071 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में जून के महीने में। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिम्नी का काफ़ी क्रेज था, ऐसा लग रहा था कि लॉन्च होते से ही पहले ही महीने कम से कम 8-10 हज़ार तो बिक्री इसकी होगी होगी, क्योंकि एक तो मारुति की गाड़ी है, काफ़ी लंबे समय से लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, दूसरा ये इसमें 4 डोर मिल जाते हैं, मतलब कि थार की तरह ऐसा नहीं है कि सीट को आपको फोल्ड करके पीछे घुसना पड़ता है, कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन इसमें आपको 4 डोर मिलते हैं भैया, आराम से कहीं से भी घुसना घुसो। लेकिन उसके बाद भी बिक्री देख कर मज़ा नहीं आया, क्योंकि आज भी आपने ध्यान दिया हो तो थार का नाम मैंने अभी तक इस लिस्ट में नहीं लिया है। इसका मतलब है कि थार जिम्नी से ज़्यादा बिकी है आज भी, तो भाई आप खुद ही देख लो कि ये आजकल एक तरीके का वो बन गया है, कंपनी वाले खुद क्रेज बनाते हैं मार्केट में, होता नहीं है गाड़ियों का, आप लोग अभी नोटिस करना इस बात को, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब कई सारे लोग है ना पर्टिकुलर इस बात पर आकर बोलते हैं कि यार आपको मारुति से क्या ही दिक्कत है, मैं सिर्फ फैक्ट्स पर बात कर रहा हूँ, जो भी आपके सामने, मैं कोई मन से बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ आपके सामने कि भाई थार जिम्नी से बेहतर है या जिम्नी थार से बेहतर है, दोनों का कंपैरिजन वीडियो में मैंने बना रखा है, वो जिस मामले में जो गाड़ी बेहतर होती है मैं बता देता हूँ। अब इसमें मेरी क्या गलती कि भाई थर्माकोल से गाड़ियाँ कोई कंपनी बना रही है तो मैं तो थर्माकोल ही बोलूँगा ना उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 16th के बाद 15th पोजीशन पर है टोयोटा की फॉर्च्यूनर, जिसकी 3086 यूनिट्स बिकी हैं। भाई मैं इस गाड़ी से बहुत इंप्रेस्ड हूँ यार, मुझे एक पहली बात तो समझ में नहीं आता इस गाड़ी में है क्या, उसके बाद भी ये 50-55 लाख रुपए की मिलती है और इसकी सेल्स इतनी तगड़ी है, मतलब 50-55 लाख रुपए के बजट में मिलने वाली गाड़ी 3000 बिक रही है हर महीने, गजब यार गजब। इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, सिर्फ नेतागिरी, हुल्लड़, गुंडागर्दी वाले लोग खरीदते हैं इसे, या फिर एडिट लोग भी इसको खरीदना पसंद करते हैं? जो इसमें फीचर्स मिलते हैं, पैकेज मिलता है, वो 20 या 25 लाख रुपए की गाड़ी में मिल जाता है और उनकी बिक्री इससे कम हो रही होती है, इसके पीछे का राज क्या है आपके हिसाब से, कमेंट कर भाई मुझे जरूर बताना। 14th पोजीशन पर है किया मोटर्स की सेल्टोस, जिसकी 3578 यूनिट्स बिक पाई हैं। आप लोग जानते हो सेल्टोस की बिक्री इतनी कम इसलिए हुई है क्योंकि सब लोगों को पता है इसका कि इसका फेसलिफ्ट जो है वो लॉन्च होने वाला है, ठीक है, और रिवील उसको किया जा चुका है सेल्टोस के फेसलिफ्ट को, और 15 जुलाई से या 14 जुलाई से उसकी बुकिंग्स जो हैं वो चालू हैं, और जहाँ तक है अगस्त में उसे लॉन्च कर दिया जाएगा, इस वजह से इसकी बिक्री इतनी कम हुई है, मतलब जुलाई के महीने में तो उसकी बिक्री और कम होनी है, लेकिन सेल्टोस को एडास के साथ लॉन्च किया गया है तो एकदम से बूम देखने को मिलेगा आपको इसकी बिक्री में। अब देखना बस ये है कि बेस्ट सेलिंग SUV ये वापस से बन पाती है या नहीं। 13th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की थार, जिसकी 3899 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। तो भाई आप देख सकते हो कि जिम्नी इसी महीने लॉन्च हुई है, मतलब सॉरी नेक्स्ट मंथ, ओहो लास्ट मंथ लॉन्च हुई है,
जिसकी 3000 यूनिट्स बिकी हैं, और थार को लॉन्च हुए सालों हो गए हैं, उसकी लगभग 4000 बिकी हैं। तो आप खुद देख लो क्रेज किसका है। अब यार भाई मारुति वाले एक तो यार पता नहीं क्या यार फूल लड़ाते हैं ऐसे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स पढ़ना छोड़ दिया मैंने चक्कर में। आगे बढ़ते हैं तो भाई 12th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV300 जिसकी 5094 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में जून के महीने में। भाई पिछली बार कमेंट बॉक्स पढ़ा था तो एक बंदा कह रहा था ये बार बार पूरा भारत मत बोला करो यार, सुन सुन के पक चुके हैं यार। तो भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में पूरा भारत ना बोलने की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 11th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV700 जिसकी 5391 यूनिट्स बिकी हैं जून के महीने में पूरे भारतवर्ष में। 10th पोजीशन पर आई है किया मोटर्स की सोनेट जिसकी 7722 मतलब कि 7722 यूनिट्स बिकी हैं जून के महीने में। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट भी अगले साल तक लॉन्च हो जाएगा। अब देखना ये है कि जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं क्रेटा की सेगमेंट वाली उनमें तो एडास आ गया है, जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं नेक्सॉन सोनेट इनमें भी एडास आता है या नहीं, ये अभी जो नेक्सॉन का फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है ना उससे ये ट्रेंड बन जाएगा। उसमें आया तो सबको देना पड़ेगा, उसमें नहीं आया तो कोई नहीं देगा, सीधी बात बिना पकवास। आगे बढ़ते हैं तो 9th पोजीशन पर है मारुति की फ्रॉन्क्स जिसकी 7991 यूनिट्स बिकी हैं जून के महीने में। 8th पोजीशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो जिसकी 8648 यूनिट्स बिकी हैं जून में पूरे इंडिया में। 7th पोजीशन पर आई है वापस से महिंद्रा की बोलेरो 8686 यूनिट्स बिकी हैं इसकी जून में। 6th पोजीशन पर है मारुति की ग्रैंड विटारा जिसकी 10486 यूनिट्स बिकी हैं। इसी की जो सौतेली बहन है हाई राइडर उसकी 3000 भी नहीं बिक पाई और ग्रैंड विटारा की 10,500 बिकी हैं। तो भाई अब तो मतलब अभी हाल ही में इनविक्टो को लॉन्च करा है मारुति ने, जो टोयोटा की इनोवा आईक्रॉस है रिवेजिंग करके इनविक्टो नाम दे दिया है। अब देखना ये है कि भाई इनविक्टो मारुति बेच पाती है या नहीं, या फिर टोयोटा की जैसी हालत रहती है मारुति की रिवेज गाड़ियों में वैसे ही मारुति की होती है टोयोटा की रिवेज गाड़ियों में। आप समझ रहे हो ना मतलब मैं क्या कह रहा हूँ आगे पीछे ऊपर नीचे। आगे बढ़ते हैं तो 5th पोजीशन पर है मारुति की ब्रिजा जिसकी 10578 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारतवर्ष में। 4th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की पंच जिसकी 10990 यूनिट्स बिकी हैं जून के महीने में। और आगे बढ़ते हैं तो 3rd पोजीशन पर आई है काफ़ी समय बाद, वैसे तो मुझे याद ही नहीं आ रहा कब आई थी, हुंडई की वेन्यू जिसकी 11,606 यूनिट्स बिकी हैं जून में। 2nd पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की नेक्सॉन जिसकी 13,827 यूनिट्स बिकी हैं। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, सब लोगों को पता है नेक्सॉन का फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है, उसमें कितने सारे चेंजेस मिलने वाले हैं ये भी न्यूज़ लगभग लीक हो चुकी है। एग्जैक्टली कितने होंगे वो लॉन्च के बाद ही पता चलेगा, उसके बाद भी इसकी गाड़ी की बिक्री में कोई खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा, अभी भी वही 13,000-14,000 लोग खरीद रहे हैं हर महीने, पता नहीं क्यों। और बात करते हैं सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी के बारे में, तो वो है हुंडई की क्रेटा जिसकी 14,447 यूनिट्स बिकी हैं जून के महीने में। तो भाई सेल्टोस जो है इसकी डायरेक्ट राइवल, वो डली अभी 14th पोजीशन पर, लॉन्च होने के बाद देखते हैं कि वो कितना ऊपर आ पाती है या फिर क्रेटा की जगह छीन लेती है, देखते हैं जो होता है। तो भाई ये थी जून के महीने में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 20 SUVs। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।